उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक शिकस्त ने अखिलेश यादव के हौसलों को तोड़ दिया है। 2017 में विधानसभा, 2019 में लोकसभा, फिर 2022 में बुलडोजर के तले साइकिल दबती चली गई, जिसने उनके माथे की शिकन को बढ़ा दिया है। अखिलेश की इस हार के पीछे कई वजह हो सकती हैं, लेकिन जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है वो है अखिलेश का व्यवहार। यूपी के 7 चरणों के इम्तिहान को पास कर 37 साल के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास को पीछे छोड़कर बीजेपी दोबारा अपनी सरकार बनाने जा रही है। दावों का दम भरने वाली समाजवादी पार्टी को इस बार भी विपक्ष की वो कुर्सियां नसीब हुई जो पिछली मर्तबा उसे हासिल हुई थी। चिंतन, मंथन और गठबंधन तीनों पर पिछले 2 साल से कोशिशें जारी रही, बावजूद इसके अखिलेश का रथ जादुई आंकड़े को पाने से बहुत पीछे रह गया। उम्मीदवारों पर दाग, संगठन में एकता का अभाव और अखिलेश की जुबान शायद इसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है। तभी तो लोक लुभावन ऋण माफी से लेकर बिजली माफी तक के लोक लुभावन वादे पार्टी को जनता के करीब नहीं ले जा सके। यूपीकरण शुरू हुआ तभी से अखिलेश के सुर ऐसे थे मानो उन्होंने सूबे के मुखिया का ताज पहन लिया हो। इस चुनाव में अखिलेश का मुखर होना जनता को सबसे ज्यादा उनसे दूर कर गया। सुना आपने कि बुलडोजर बाबा कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे, बाबा बुलडोजर कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का वोट पड़ा है बीजेपी के नेता ठंडे पड़ गए, और जब दूसरे चरण में वोट पड़ा इनके कार्यकर्ता नेता सुन्न पड़ गए हैं, और जब हम खुद वोट डाल के आ गए वहां पर शून्य हो गए हैं। अखिलेश प्रतिद्वंदी योगी पर कटाक्ष करते करते मुख्यमंत्री पद की गरिमा तक भूल गए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोगों की सोच है। अपनी हर रैली में गर्मी निकालने की बात अखिलेश की जुबान पर रही। दूसरा, अधिकारियों को अपने आगे कुछ ना समझना। ए पुलिस वालों, ए पुलिस, पुलिस, ए पुलिस, ए पुलिस वालों, क्यों क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इशू किए थे, याद है कि नहीं याद है? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के अधिकारी। समाजवादी पार्टी अपनी माफियाओं को सपोर्ट करने वाली छवि को इस चुनाव में नहीं मिटा पाई। कार्यकर्ता और नेता तो छोड़िए, अखिलेश यादव खुद ही पुलिस कर्मियों के लिए धमकी भरे अंदाज में दिखाई दिए। तीसरा, परिवारवाद से घिरे रहे और योगी के परिवार ना होने पर तंज कसते रहे। हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, जब गोरखपुर आ रहे हो अपने घर तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते आना। ये जानते हो गुल्लू कौन है? हर कोई जानता है कि सीएम योगी को पशुओं से बेहद लगाव है। परिवार वो प्रदेश की जनता को कहते हैं। ऐसे में अखिलेश का परिवार पर बार बार कुक्कू का जिक्र उनकी छवि को दागदार करता रहा। और चौथा, चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री बनने के लिए आश्वस्त। बाबा मुख्यमंत्री हमें कह रहे हैं कि हम दंगेश हैं, हमें कह रहे हैं कि दंगेश हैं। कभी बाबा मुख्यमंत्री की शक्ल देखी आपने? शक्ल से कौन दंगेश लगता है? और हम तो उन्हें कह के जा रहे हैं सुबह धुआं मत उड़ाना, उठने के बाद आईना देखना, और जब आईना देखोगे तो आपको अपने आप वहां पर दंगेश दिखाई दे जाएगा कि दंगेश कौन है। इसलिए साथियों, इनकी भाषा से सावधान रहना। अखिलेश के इसी अति आत्मविश्वास ने समाजवादियों की नैया को डुबो दिया। बोर्ड पर सज रहे बीजेपी के आंकड़ों ने समाज सेवियों की सच्चाई बता दी। अखिलेश पिता की राजनीति से अलग अपनी छवि भी सुधार नहीं पाए, गुंडा राज का दाग मिटा नहीं पाए और सरकार लाने का गोल्डन चांस गवा बैठे। टीम न्यूज स्टेट।
तो भारतीय जनता पार्टी अपने विजय अभियान पर है, राज्य दर राज्य जीतकर आगे बढ़ रही है, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की छवि की बरकरार रखे हुए और फतेह को सीढ़ी बनाकर शिखर पर पहुंच रही है। 2022 के महासमर में बीजेपी के वोट बैंक में मुस्लिम भी भागीदार बना है। बीजेपी की बेदाग छवि के सामने उसे कोई दूसरा विकल्प नजर ही नहीं आ रहा है। मोदी का मास्टर स्ट्रोक और योगी की रणनीति ने एक बार फिर से यूपी में वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इस जोड़ी के स्टाइल ऑफ गवर्नेंस को जनता ने खुले दिल से स्वीकार किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान और स्वाभिमान को सराखों पर रखा है। विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के आगे विकास को तरजीह दी है और इस जीत में सब भागीदार हैं। लेकिन 2019 के बाद इस जीत में जिसकी अहम भूमिका है वो है बीजेपी की तरफ मुस्लिमों का झुकाव। बीजेपी को सत्ता में वापस लाने में सबसे अहम भूमिका कल्याणकारी योजनाओं की तो है ही, साथ ही कई कामों से बीजेपी मुस्लिमों के दिल में भी उतरी है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 143 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20-30% है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं यहां यह 30% से ज्यादा है। इन इलाकों में मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बरेली, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन सीटों पर बीजेपी ने पिछली बार जो बहुमत नहीं हासिल किया था वो इस चुनाव में हासिल किया। ये कहना शायद गलत है कि बीजेपी ने सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बुनियाद पर जीत दर्ज की है। उसकी जीत के स्तंभों में से एक है उसकी बेदाग छवि, जिसका कहीं ना कहीं हर कोई कायल है। सरकार तो बहुत अच्छी, विकास के लिए हर एक काम के लिए अच्छी है, बस एक ही है कि हिंदू मुस्लिम ना करे, बाकी योगी जैसा कोई नहीं। अगर भय होता किसी में तो एक नज़र से नहीं देखते, क्योंकि सबको राशन, गल्ला, पानी, जो हर एक चीज़ है सबको एक नज़र से देखते हैं। जो है वो उठाने पे है, अपना मुद्दा जो उठाए। क्या जमने सरकार ने कोई भेदभाव किया? सरकार भेदभाव नहीं करती, नहीं करती। क्या जमने कोई भी सरकार आए, अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने क्या किया था? उन्हीं ने किया था मुसलमानों के साथ। पिछले 3 साल में बीजेपी सरकार के जिन फैसलों से मुस्लिम समाज छिटका था, बाद में वो उन्हीं को सराहा भी रहा है। मुस्लिम बेटियों को 51,000 रुपए का निकाह शगुन, 3 तलाक से बचने के लिए मुस्लिम बेटियों के लिए कानून, मदरसे से अलग उच्च स्तर की पढ़ाई लिखाई, अल्पसंख्यकों का बजट करीब 1,000 करोड़ बढ़ाया, 45 साल से बड़ी महिलाओं को बिना पुरुष हज के लिए परमिशन। मुस्लिम समाज और खास तौर पर मुस्लिम बेटियों के लिए मोदी योगी की सोच क्या है, इसका उन्होंने अक्सर जिक्र भी किया। मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। हमारी मुस्लिम महिलाएं, हमारी मुस्लिम बहनें, बेटियां जानती हैं कि जो सुख दुख में काम आता है वो ही अपना होता है। संघ से जुड़े एक संगठन का दावा है कि इस चुनाव में मुस्लिम समाज का भी बीजेपी को वोट मिला है। बीजेपी को 8%, समाजवादी पार्टी को 76%, तो बीएसपी पर 7% मुस्लिमों ने भरोसा जताया है। लगातार राज्यों में जीत मोदी के बढ़ते रुतबे और योगी की नीतियों को बताने के लिए काफी है। फिर चाहे उपचुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, हर परीक्षा में दोनों अव्वल रहे हैं। सर्व समाज की फिक्र ने दोनों को ताज पहनाया है और आगे की इस नीति पर दोनों अग्रसर हैं। टीम न्यूज स्टेट। और जारी है 22 का महासमर, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।